आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के ट्रेंड के बारे में। और जैसा कि आपको पता ही है, इसका रिकॉर्ड डेट 29 जुलाई को है। तो क्या स्प्लिट्स होने से पहले खरीदना बेहतर रहेगा या बाद में खरीदे, इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल टाटा स्टील को देखें, इससे पहले अगर आप मेटल सेक्टर को देखेंगे तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, अराउंड 40% के डाउन ट्रेंड के बाद इस समय ये सेक्टर कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है 4900 to 4800 के बीच में। मेरा पर्सनली मानना है कि 4900 को अगर ब्रेक करती है मेटल सेक्टर, मेटल निफ्टी, आईटी मेटल, निफ्टी मेटल सेक्टर जो ब्रेक करती है, तो श्योरली आप टाटा स्टील पर व्यू बना सकते हैं। हमने दो बार देखा टाटा स्टील में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा और एक जो मेजर रेजिस्टेंस रहा है वो अराउंड 922-930 के आसपास का रहा है। अगेन स्टॉक में जो व्यू है वो देखेंगे तो 50 DMA के नीचे का क्लोजिंग रहा है जो इसके वीकनेस को दिखाता है। लेकिन जिस प्रकार से ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, जिस प्रकार से US मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेल्स डाटा के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा है, निफ्टी अबाउट टू ट्रेंड अराउंड 500-600 पॉइंट दिख सकता है, बैंक निफ्टी मोर देन 1000% तक अप ट्रेंड दिख सकता है, तो श्योरली ये स्टॉक भी एक ओवरथ्रू करने वाली है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो मेरा पर्सनली मानना है कि 860 के स्टॉप लॉस को फॉलो करें। हालांकि 880 के नीचे का क्लोजिंग ही इस स्टॉक में एक बियरिश व्यू को बनाता है। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, तो 900 के ऊपर इस स्टॉक को व्यू बनाए रखें, वॉचलिस्ट में ऐड करें, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड टुवर्ड 1000 तक के प्राइस दिख सकते हैं। और पर्सनली मेरा मानना है अगर आप स्प्लिट्स के पर्पज से खरीद रहे हैं, हालांकि अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव ओनली अबाउट आपका मानना यह है कि स्प्लिट्स के लिए बाइंग कर रहे हैं तो श्योरली समय रुकना चाहिए। शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से 860 के स्टॉप लॉस को लगा करके 900 के ऊपर एक कंजर्वेटिव ट्रेडर, सेफ ट्रेडर की बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। इस समय वेच एंड वॉट करें। और जो टारगेट होने वाला है वो 930 का जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहने वाला है उसके ऊपर 1000 तक के सियोली टारगेट दिख सकते हैं। और स्प्लिट्स के बाद जब शेयर आती है उसके बाद आप चाहें तो एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर ओपिनियन हो सकता है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।